एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपके भी पोटुलका में क्या फ्लावरिंग कम हो रही है? तो बहुत ही आसान उपाय है और इसको कर दीजिए तो आपका जो पोटुलका का प्लांट्स है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि जब भी इसमें फ्लावरिंग होके ख़त्म हो जाती है तो ये पौधे देखिए सीड्स बनाने लगते हैं और वो सारी एनर्जी अपनी ये बीज बनाने में लगा देते हैं, जिस वजह से हमारे इस प्लांट में फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो आपको करना ये है कि इनके जो भी जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट से कट कर देना है। आप चाहें तो इसको अच्छे से इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको क्या किया, पॉइंट पे ही 1 इंच के पॉइंट से कट कर दिया है और जिसकी वजह से हमारे पूरा बगीचा फूलों से फिर हरा भरा हो चुका है। ये देखिए इसमें सीड्स बनने लगते हैं, कटोरी जैसे हो जाते हैं, फिर उसमें सीड्स बनने लगते हैं जिस वजह से फ्लावरिंग बहुत कम होने लगती है। तो मैंने क्या किया था, कटिंग करके इनको हटा दिया और जिसकी वजह से हमारे बगीचे में खूब ढेर सारे फ्लावर्स आने लगे। अभी देखिए ये जब कटिंग मैंने की तो इसमें कम फ्लावर्स थे, उसके बाद इसमें ढेरों फ्लावरिंग होने लगी थी। इनके बीज देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, छोटे छोटे काले रंग के होते हैं इनके बीज। और ये बीज मैंने फेंका नहीं, इनको मैंने कुछ तो मैंने इसमें डाल दिए थे, लेकिन कटिंग के बाद जो भी सीड्स मुझे मिले थे उनको मैंने स्टोर करके रख लिया है कंटेनर में। ये देखिए कटिंग के बाद का रिजल्ट देखिए दोस्तों, कितना रंगीन हो गया है हमारा गार्डन। तो दोस्तों क्या आप लोगों ने भी पोटुलका की कटिंग कर ली है? अगर नहीं की है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि पूरा बगीचा मेरा फिर से रंगीन हो चुका है फूलों से। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है हमारे बगीचे में सितंबर मंथ में। और इनके जो भी बीज मैंने पॉइंट से कट किए थे उनको मैंने स्टोर करके रख लिए हैं अगले सीज़न के लिए, क्योंकि ये कुछ समय बाद इसके प्लांट सूखने लगते हैं। तो कुछ की तो मैं कटिंग लगा ही देती हूँ, बट बीज भी काम आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई कटिंग फेल हो गई, नहीं लग पाई सही से, तो बीज हमारे काम बहुत आते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ये काम ज़रूर कर लें अपने पोटुलका के प्लांट्स पे। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कई तरह के रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं हमारे बगीचे में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने पोटुलका की कटिंग की कि नहीं, नहीं की है तो कर लीजिए। वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पे कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, जो कि मैं पर डे लेके आती हूँ। आगे वीडियो बहुत ही अच्छी है और भी कई कलर के पोटुलका के प्लांट्स हैं दोस्तों, तो प्लीज़ फुल वीडियो को वॉच करें।